अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद अली और आप लोग देख रहे हैं सैयद बर्ड्स ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कॉमन स्पैरो के अंदर मेल और फीमेल के डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो यार, ये नेचर का एक कानून है कि जो उनसे मेल हैं मोस्टली वो बड़े होते हैं और खूबसूरत होते हैं, मतलब रिंग नेक, कॉकटेल, ऑलमोस्ट सारों में ना मेल ही प्यारे होते हैं, फीमेल्स का कलर डल होता है। तो सेम सीन है इसके साथ। अब आप ये देखिए, सामने एक फ़ीमेल है तो इसका कलर आप देख सकते हैं, फिर बाद में मैं आपको मेल का कलर भी दिखाऊंगा, दोनों का आपको वाजिया फ़र्क होगा। अच्छा, अभी देखें, ये फ़ीमेल है, इसके आपने पंजों पे गौर करना है, इसके पंजों का कलर देख लेना है, इसके सर का कलर देख लेना है, इसकी चूंच का कलर देख लेना है। अब देखें, जो फीमेल होगी ना उसकी चूंच का कलर ब्लैक नहीं होगा, कुछ इस टाइप का होगा, और इसके जो उनसे पैर होंगे वो थोड़े से लाइट कलर में होंगे, इसके सामने से जो उनसे चेस्ट होगी वो सारी वाइट कलर में होगी, और कह लो किसी पर कोई ब्लैक कह लो पैच नहीं होंगे। मोस्टली जिनसे सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसके सामने से चेस्ट सारी साफ़ होती है और मेल की चेस्ट के ऊपर बाल होते हैं, मतलब बाल टाइप कह लो ब्लैक कलर की होती है, और पीछे से इसका कलर दूसरा होता है, जबकि मेल का कलर थोड़ा डार्क होता है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, मैं भी आपको मेल पकड़ के भी दिखा दूँगा। तो आप ये देख लें, इसकी एक तो पैर का कलर लाइट होगा, चूँच इसकी कुछ स्किन कलर की होगी जिस कलर के पैर हैं, बैक इसकी ज़रा डल कलर की होगी, और सामने से जो इसकी चेस्ट है वो सारी साफ़ होगी। अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ। ये बाप के सामने मेल है तो आप दोनों का फ़र्क देख सकते हैं कि इसके पैर का कलर देखें, ये ज़रा डार्क कलर का है, और इसका बैक देखें, बैक के ऊपर भी ज़रा कलर ज़्यादा है, ब्राइट है ये, मतलब कि कह लो ना खूबसूरती है इसके अंदर फीमेल की नस्बत। फीमेल का कलर ज़रा डल डल था और इसका कलर ज़रा डार्क है। अच्छा, उसके बाद एक मेन जो है कि ये अपनी दुम सीधी रखता है और फीमेल अपनी दुम भी खोल लेती है। देखें इसके सामने इसकी एक दाढ़ी है, मतलब दाढ़ी टाइप ही कह लो इसको, मतलब एक ब्लैक कलर का डार्क पैच है, इसकी चूँच भी कह लो ब्लैक कलर की है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेल है। अब जो सा फीमेल होगी उसके यहाँ से ब्लैक कलर का नहीं होगा, इसके यहाँ पे ब्लैक है, एक तो ये है, दूसरा इसका कलर प्यारा होगा, वो बैक से देख सकते हैं दोनों की बैक के अंदर फ़र्क है, ये हो गया। तीसरी इसकी चूँच जो से होगी मेल की ब्लैक कलर की होगी और फीमेल की ज़रा स्किन टाइप की होगी, और जो सी इसके पैर हैं, अब आप पैर देख सकते हैं, इसके पैर ज़रा कह लो डार्क कलर के हैं और फीमेल के पैर हैं वो डार्क कलर के नहीं हैं। तो यही था। अभी देखिए इसके ड्रामे, अभी देखें पूरा सही है, एक्टिव है, पर मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करा कि जैसे ये मरा हुआ है। तो ये मोस्टली स्पैरोज ऐसे करती हैं, फिंच जावा भी ऐसे ही करती है कि हम मर गए हैं तो बंदा जैसे ही हाथ ढीला करता है फिर ये फुर करके उठ जाती हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है फिंचज़ की, जावा की, ऑस्ट्रेलियन और पैरट्स या कॉकटेल की नस्बत ना इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो मोस्टली ऐसे करते हैं एक कह लोगे मिसगाइड करने के लिए, और जैसे ही आप काट ही लाओ तो ये छोड़ देते हैं। तो ठीक है यार, यही था डिफरेंस इसका कॉमन स्पैरो का मेल और फीमेल का। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई बात आपने पूछनी हो किसी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।